प्रोग्राम फेयर एंड स्क्वेयर तुहाडा स्वागत है। इस हफ्तावरी प्रोग्राम च असी तुहाडी मुलाकात मन्निया परमन्निया शख्सियतां नाल करांदे हां। पिछले हफ्ते असी इंटरनेशनल गोल्फर जीव मिल्खा सिंह नाल गलबात कीती सी। इस वार भी असी एक होर स्पोर्ट्स स्टार नाल गलबात कर रहे हां। वह हॉकी दे बीते गोल्डन ईरा दे स्टार रहे ने। प्रसिद्ध हॉकी खिडारी ध्यानचंद वांग वह देश दे सब तो प्रसिद्ध हॉकी खिडारियों विचों एक ने। अज साडे नाल स्टूडियो विच मौजूद ने ट्रिपल ओलंपिक हॉकी गोल्ड मैडलिस्ट सरदार बलबीर सिंह सीनियर। बलबीर जी, तुहाडा फेयर एंड स्क्वेयर दे विच बहुत बहुत स्वागत है। बलबीर जी, आपां हॉकी तो ही शुरू करदे आं गल, जिहड़ी अजकल हॉकी दी दुर्दशा होई आ, इह तुहाडे हिसाब नाल क्यों होई? एक वड्डा कारण तो यह कि असी जितते जितते जिहड़ी चीज़ आम मिलती होवे वह आम लगन लग पैंदी है, तो असी कंपलेसेंट हो गए वह हुण तो जित ही जाने कोई गल नहीं। और ये कई होर चीज़ा हो गई, जमाना बदलता गया, वोद हॉकी के रूल्स भी चेंज होंगे जा रहे हैं, वो प्लेग्राउंड फैसिलिटीज भी चेंज होंगे जा रही हैं, वो स्टैंडर्ड दुनिया के बढ़ते जा रहे हैं, आर्टिफिशियल टर्फ आ गया, गेम फास्ट हो गई हैं। और जोड़े साढ़े जमाने के प्लेयर से असी सारा साल अपनी प्रैक्टिस करके कैंपा पर जाते हैं, और अजक प्लेयर सॉरी मैं कहना नहीं चाहिए कि ऐसे है जिहड़े तैयारी करके पूरी फिटनेस नहीं आते, कैंप जाते हैं और कैंप के कोच का काफ़ी टाइम उन्होंने फिट करते लग जाता। सो ये रीज़न। और दूसरी एक सब तो वड्डी गल होर, हॉकी च पॉलिटिक्स बड़ी है। बलबीर जी, जिहड़ा तुहाडे वेले जिहड़ा गोल्डन ईरा सी हॉकी का जी, वह हुण इस वेले बिल्कुल ही करीब करीब खत्म हो गया, ये कभी अफसोस भी होंगे? जर्मनी च मैंने उन्होंने 1995 चैंपियंस ट्राफी टूरनामेंट हों चीफ गैसट के तौर पर बुलाया से, उत्थे मैं किसी ने सवाल पूछ लिया कि तुहाडे सिर इन्ने गोल क्यों होंगे अजकल? मैं उन्होंने आख्या भी असं उधार दिते हुए ने, वो सानू वापस मिल रहे हैं, और की उन्होंने कह सकता दस। बलबीर जी, तुसीं हॉकी खरीब खेडनी 50-60 साल पहले बंद कर दी सी इंटरनेशनल लैवल से, पर हाले भी कहड़े कहड़े तुहाडे रिकॉर्ड कायम है? ओलंपिक का 1952 हेलसिंकी का 6 गोलों चो फाइनल हॉलैंड अगेंस्ट 5 मेरे है, और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है इस वेले, हुण तक हैगा 60 साल होने लगे है। दूसरा वो नाल ऑल 3 इन द सैमीफाइनल अगेंस्ट ग्रेट ब्रिटेन एंड 5 of 6 अगेंस्ट हॉलैंड, 9 चो 8 गोल, ये दूसरा रिकॉर्ड है। तो यूनिवर्सिटी के पहले तो बड़े से कॉलेज का जमाना से, यूथ ऐसी होंगी कि थकावट का पता ही नहीं लगता। सो है ने हूँ तक इंटैक्ट ने, तुम पूछा तो मेहरबानी थोड़ी, दुनिया तो भुलती जाती है, यानी 60 साल का रिकॉर्ड टुटिया ना हो ते कदों टुटूगा, कदों टुटूगा वो तो हूँ बहुत क्रिएटेबल चीज़ है। बलबीर जी, ये सच है कि तुम एफ ए दे विच फेल हो गए और फेल होने तो बाद लुक गए और घरदे नूं बड़ा वक्त पाया? इन्ना हॉकी का शौक से, एक आजम मुंडा होंदा सी उदों सेंटर फॉरवर्ड खेलता सी, मैं पहले गोलकीपर फिर फुलबैक खेलता सी, और सारा दिन क्लास बैठे अपन दोनों ने लास्ट बेंच से जा बैठना, हॉकी के नक्शे बनाते रहना। दसवीं में पहली बार पास हो गया, शायद 9 साल ही कर ली सी, पर जो पढ़ाई नहीं करनी तो पढ़ाई तो बगैर तो पास नहीं होंदा आदमी, तो मैंने नंबर ना लगे मेरी सीट कितने है, उत्थे खैर उन्हें बिठाता पेपर दते, तो फादर मेरे बड़े स्ट्रिक्ट से, बड़े डिसिप्लिनरी, और जो मैं हो गया फेल तो मैं क्या भी आज तक मारे गए, बड़ी शर्म भी आवे कि फेल होने में बड़ी वड्डी गल समझी जाती ना। तो मैं उत्थों स्कूल सामने देखती सी बिल्डिंग, गर्मी के दिन तो एप्रल लगना, उत्ते जाके स्कूल के रोशनदान आते ना बाहर छत, तो वो थले बैठ के छावे ए बैठ गया, तो कि कोई पुलिस स्टेशन पर जाओ, कोई रेलवे स्टेशन पर जाओ, कोई नहर में पर जाओ, सब पासे पाजड़ पै गई जी, मुंडा गुआच गया। तो मेरी मदर बड़े उन्होंने जी हेल्थ बड़ी वीक सी, वो कदे बाहर आने दरवाजे से खड़े कदे बह गए, तो मैं दसदे सी भी कदे आते हैं, कदे है कभी फड़ के ले जाते, फिर आके बाहर बह जाते हैं। तो मैं जो तो अपनी माँ का हाल देखा तो फिर मैं तुरया नहीं गया, फिर वापस आ गए तुसी? मैं उस समय मैं क्या कोई गल नहीं, मैं जी झाड़ पीन पै जानी दो पैसे ठीक है, मेरी माँ की बुरी हालत। ये ठीक है कि उस वेले तुहानू शायद खालसा कॉलेज अमृतसर जिहड़ा उन्हां दिनां च हॉकी दा गढ़ मन्निया जांदा सी, उन्हां ने एडमिशन देण तों ना करती? उस वेले जदों मेरे फादर ने कहा कोई गल नहीं, हुण तूं हो गया, हुण अगे तों पढ़ाई करी, मैं कहा जी ठीक है। फिर हॉकी करके पता लग्या सी हॉकी चंगी खेलदा मुंडा, तो मैं
गया किसी के नाल, मेरे कोई पुराने दोस्त है गए सी, तो खालसा घर ले जाने बड़े शौक है, उत्थे गए तो मैनू उस तो उस फेल होने इम्तहान देने तो उस तो बाद जो महीने होंगे छुट्टियों के उन्हें मैं फॉरवर्ड खेलने लग पाया, कला ही खेलो जिधर मर्जी खेलो, तो वह कहें तू तो फॉरवर्ड चंगा चलो तुम ट्रायल दोने, तो उत्थे गए तो उन्हें मैंने देखा एक दिन, तो मैं उन्होंने पसंद नहीं आया, उन्होंने मैनू कहा भी नहीं सॉरी हाले नहीं, तो उदो बाद मैं वापस आ गया। फिर सिख नैशनल कॉलेज हैगा सी लाहौर जिदे च प्रोफेसर रतन सिंह गिल जिन्हां दे घर च असी किराए ते रहिंदे सा, वह प्रोफेसर से तो उस मैनू भी जानते सी, मेरे फादर नू भी जानते सी, वह कहिंदे जी साडा नवा कॉलेज बनिया तो हॉकी बड़ी मशहूर है उत्थे, तो उत्थे ले जाके देखदे जे तुहाडे मुंडे दी गल बन जाए, तो कहिंदे ठीक है, तो कहिंदे मुंडा खराब हो जू, वह कहिंदे कोई नहीं खराब होंदा मैं उत्थे हैगा, वह मैनू उत्थे लै गया, उत्थे ले गया उत्थे ट्रेन दे ते सेंटर फार दी मेरी प्रैक्टिस होई सी, तो ट्रेनां च पता नहीं दो चार गोल करते होने, उन्होंने पसंद आ गया, नवी टीम से और मेरे उत्थे होने नाल वह टीम बी लीग चाहिए सी, पहले साल च ए लीग चाहिए, तो फिर खालसा कॉलेज अमृतसर वाले ने तुहानू बड़े तरले कढ के वापस बुलाया उत्थे। फिर मैं जो पास हो गया, पास होने से भी दो तीन ऐसे मोगे वाल दे, एक दलीप सिंह गिल है इतने डी ओ सी प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लैके हूँ कनेडा गए हुए हैं, एक इंजीनियर इंजीनियरिंग कॉलेज तो थोड़ी दूर से सिख नैशनल कॉलेज तो, उन्होंने जो स्टूडेंट होंगे उन्होंने होस्टल से जगह नहीं मिलनी, सिख नैशनल कॉलेज के होस्टल रहेंगे, उन्होंने महीना भर जरा उ ना सवेरे उठ के जाना, तीन किलोमीटर तक गार्डन होंगे डिजर्ट जहाँ, उत्थे उन्होंने कहना मैं मूँ किताबा ले जाने, चल हूँ आ पढ़ हूँ आ पढ़ हूँ आ पढ़, वो पढ़ पढ़ के थैंक गॉड मैं पास हो गया। बलबीर जी हॉकी की आप गल करिए, जो बाद खालसा कॉलेज ज्वाइन किया उत्थे कौन सी कोच जिन्होंने तुम्हें एक वर्ल्ड क्लास के प्लेयर बनाया? सरदार हरबेल सिंह मेरे गुरु, मैं बनाने वाले, मैं सिखाने वाले, मैं खेलना तो बड़ा सा पर पॉलिश करने वाले, वो सी मैं उन्होंने बड़ी सत्कार ते रिस्पैक्ट करना। ये दसो कि जो तुम कॉलेज के विच सीगे उदों कोदों बड़े मशहूर हॉकी के प्लेयर से ध्यान चंद, उन्होंने तुम खेडते वेख्या कभी? उदों नहीं देखा, बाद च मैं उन्होंने मिलिया और फिरोजपुर, मैं पुलिस सी वो आर्मी से पंजाब रेजिमेंट, उत्थे असीं एक साल कट्ठे रहे हैं, पुलिस मिलटरी की टीम तो सिविल की टीम साडे मैच होंदे सी, मैं सिविल का कैप्टन वो आर्मी का कैप्टन, हर मैच उन्होंने जीत जाते सर। तुम एक बार कहा कि जो फस्ट लव है वो हॉकी है, पर उस वेले शायद थोड़ा जो दूसरा प्यार भी तुम्हारी जिंदगी आया, सुशील जी जिन्हें बाद तुम तो धर्मपत्नी भी बने, उन्होंने मुलाकात किमें हुई? एक सर अजमेर सिंह सिद्धू जो बेटा कुलबीर सिद्धू कमिश्नर होने रिटायर होया, वो मेरे संडू ने उन्होंने मिसेज या कुलबीर की मदर ते मेरी वाइफ फस्ट कजन से, उन्होंने कहा भी तुहाडा मुंडा देखा दुखिया जो देखा भी बी ए भी पास कर ली, बी ए भी पास कर ली, तो इंप्रैशन अच्छा से मुंडा तुहाडा, डरते होंगे सो इंप्रैशन तो अच्छा आप ही होना, तो कहिंदे भी मेरा स्टूडेंट है एक, तो मेरे इलाज ने गल की मैंने चिट्ठी दे के निकली भेजा भी आ चिट्ठी उन्होंने तुम लाहौर खेडन जाते हो दौ, तो चिट्ठी देन गया तो नैचुरली कुड़ी देखनी सी, बहाना तो यह मैं नहीं पता, चिट्ठी देखी एक बार फिर भेजता, फिर तीजी बारी पूछते भी वो फलानी लड़की उत्थे हैगी, देखी मैं क्या भी हैगी है, विह करा वो ना तो सोहनी बड़ी सी, कश्मीरी से होंगे ना जिस तरह तुम भी शायद देखे तो उदो फिर मैं भी अच्छा ब्याह वास्ते, तो मैं पेंडू आदमी उन्होंने कोठी लाहौर वड्डी सारी, वो फादर सिविल इंजीनियर से 12 साल यूके च रह के आए, तो उदो वो है नहीं सी पर, तो मैं हाँ कहती, फिर थोड़ा जहा अटैचमेंट तो हो ही जाता, फिर एक दो बार जाना जुड़ा होया तो फिर फाइनल भी हाँ ठीक है। काफ़ी तुहाडी लक्की साबित हो क्योंकि असली हॉकी कैरियर तो उसके बाद ही शुरू होया। वेरी लक्की, यानी रेयर है कि सारी तीन ओलंपिक्स विह कराने तो बाद खेलिया हो, तुम तो पता है कि वाइफ तो बगैर कोई आदमी चल नहीं सकता, इन्नी सपोर्ट दिती कि मैनू बड़ी हेल्पफुल साबित हो। बलबीर जी तुसी एक फ्रीडम फाइटर फैमिली चो है जे और फिर तुसी पंजाब पुलिस किवें ज्वाइन कर ली और वो भी ब्रिटिश रूल दे टाइम? सर जॉन बेनेट साडे आई जी सी हॉकी दे प्रेजिडेंट सी, पंजाब यूनिवर्सिटी का मैं कैप्टन सी, एज पंजाब यूनिवर्सिटी कैप्टन पंजाब यूनिवर्सिटी टीम एक दो वड्डे टूरनामेंट जिताते, बड़ा खुश होया, खुश होकर कहना भी इन्हू भर्ती कर लो,
ਤੇ ਭਰਤੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੈਂ ਫਾਦਰ ਨੋ 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 ਮੈਂ ਆਪ ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਦਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਲਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਪੇਰੈਂਟੇਜ ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਫਰਰ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਈ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਲ ਦੋਜ ਪਰਸਨਸ ਕਿ ਹਿਜ਼ ਫਾਦਰ ਵਾਸ ਅ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਰ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਹਾਕੀ ਪਲੇਅਰ ਓਕੇ ਆਈ ਵਾਂਟ ਹਿਮ ਇਨ ਮਾਈ ਟੀਮ ਉਹ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਓ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੌੜ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹੂਈ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸੈਂਟਰਲ ਪੀ ਡਬਲਿਊ ਦੀ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਹ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿੱਤ ਗਏ ਉੱਥੇ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੇਖ ਲਿਆ ਆਈ ਜੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀ ਭੇਜੀ ਹੋਣੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੁਆਰਡੀਨੇਟ ਬੰਦੇ ਚਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਭੇਜੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਰਡਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਉੱਥੋਂ ਖੇਡ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਘੜੀ ਲਾਈ ਹੱਥ ਘੜੀ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲੈ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਬਹਿ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦਾ ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੂਹ ਤੋਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੈ ਆਂਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਹੈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਐਸ ਪੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਚੌਧਰੀ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਸੀ ਇੱਕ ਡੀ ਆਈ ਜੀ ਸਕੋਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਾਕੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀ ਮੈਂ ਫਲੋਰ ਸੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸਵਾਲ ਡੋਂਟ ਆਸਕ ਯੂ ਮੈਨੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੀ ਸਰ ਜੋਨ ਰਿਕਮੈਂਡਿਡ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਘੜੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਗੱਠੇ ਲਵਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਦਿੱਤੀ ਆ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੌੜੀ ਕਿੱਧਰ ਦੌੜਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦੌੜ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਫਲੋਰੋਂ ਦੌੜ ਗਿਆ ਕਿ ਗਵਾਲੀਅਰ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮੱਲਾ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਲੇਅਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜ ਗਿਆ ਦੌੜ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕਣਾ ਸੀ ਲੁਕਣਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਇਹ ਦੌੜਨਾ ਤਾਂ ਕਾਵਰਡਾਈਸ ਹੈ ਚੱਲ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਓਨੈਸਟ ਰਹੀ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਐਚ ਡਬਲਿਊ ਹੇਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ ਆਰ ਆਈ ਮਿਸਟਰ ਖਾਨ ਅਨਵਰ ਖਾਨ ਸੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸਲੂਟ ਰਾਈਟ ਟਰਨ ਸਲੂਟ ਕੁਇਕ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕੀਆ ਜਾਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਦੌੜਿਆ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਬੱਚੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇਖਣ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਦੌੜਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕੀਆ ਜਾਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਚਲਾਕੀ ਘੱਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਛੁੱਟੀ ਬੰਦ ਗਰਮੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਆਟਰ ਗਾਰਡ ਬੰਦ ਕਰਤਾ 1947 ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਯਾਦ ਹੈ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਡਰ ਹੋਊਗਾ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਬੱਸਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਖੂਨ ਕਤਲ ਜਿੱਧਰ ਜਾਓ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੀ ਗੋਲਡਨ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਮਾਈ ਹਾਕੀ ਡੇਜ਼ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਓਲੰਪਿਕ ਹਾਕੀ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਲ ਜੋ 1975 ਦੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੀ ਜੇਤੂ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬਲਬੀਰ ਜੀ ਕਦੀ ਮਿਸਿਸ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੰਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਪਰ ਉਹਨੇ ਰੁਕਾਵਟ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ